अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू एफनी शोज चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की रोटी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप आटा। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या मिक्स ऑफ मैदा एंड आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है सूजी, तो इसको मैंने एक छोटे से कप में, छोटा कप जो है इसमें मैंने डाल के रखा है। इससे मैं लूँगी 8 से 10, बिकॉज़ ये बहुत ही छोटा सा कप है। तो ये आपके मेजरिंग कप से 2 कप या 2.5 कप आप उसमें ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें मैंने चॉप्ड अनियंस लिए हैं, उसमें ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर, धनिया पत्ता है, और दिल लीव्स लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। आपको उसकी खुशबू पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं, ऑप्शन आपके पास है। ये तो मुझे पसंद है तो, और घर में भी था तो मैंने इसको डाल दिया है यहाँ पे। और ग्रीन चिलीज़ हैं, और ज़ीरा मैंने 1/2 स्पून लिया है। बस नमक इसमें 1 स्पून डालना है, और थोड़ा सा योगर्ट। अगर योगर्ट नहीं डालना चाहते हो तो पानी से भी आप कर सकते हैं। आटा मैंने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि बाइंडिंग इसकी रोटी की अच्छी हो जाए। अगर आपको नहीं डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है रोटी बनाने में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप योगर्ट के साथ पहले मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे, पानी बाद में ऐड करेंगे। मैंने एक बात बतानी भूल गई थी, वो थी कि मैंने कलौंजी 1/2 स्पून ली है, और अजवाइन जो है बिल्कुल 2 पिंच मैंने अजवाइन लिया है। ये अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है। थोड़ी चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं तो ज़ायका अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने यूज़ करा है। लेकिन बताना ज़रूरी था कि इसमें और भी चीज़ें डल सकती हैं। आप चाहो तो ग्रेटेड कैरेट भी ऐड करें, मैं अब नहीं ऐड कर रही हूँ। तो चलिए आप इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स करने के बाद में बिल्कुल ऐसा अच्छा लग रहा है, देखिए आप, इसमें बिल्कुल ऐसा ही इसको रहना चाहिए। पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें आप पानी डाल के, रेगुलर आटा जो गूंथते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड करें, ताकि जब आप इसको रेस्ट करने के लिए, तो सूजी जो है थोड़ा ज़्यादा पानी सूख करेगी। और मेरी सूजी जो है मैंने इसे भून के बनाया है, थोड़ा सा हल्का सा भून लिया था मैंने, भून के ही यूजुअली मैं रखती हूँ जार में। आप ऐसे कच्चा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस हम इन सारी चीज़ों को जो है अब पानी के साथ गूंद लेंगे, थोड़ा रेगुलर आटे से ज़्यादा ही पानी इसमें यूज़ करेंगे। अब ये बन के रेडी हो गया है, आप देखें, ये बिल्कुल भी ये नहीं है, हार्ड नहीं है, देखें। तो बस इतना ही हमें चाहिए था। आप इसको रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं 20 मिनट्स, 1/2 आवर, या अगर आपको सुबह में बनाना है तो आप इसको फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें, और सुबह थोड़ा सा हल्का सा गूंदें और इसकी चपातीस बना लें। तो अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब बनाएंगे हम इसकी रोटी तो आपको इसका दिखाएंगे आउटपुट। ये सूजी की रोटी एक यहाँ पे बन रही है, और दूसरा मैंने यहाँ पे रोटी मेकर में डाल दिया है। और मैं फॉइल यूज़ करती हूँ ताकि जो रोटी का पेड़ा मैंने रखा है वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे फॉइल से यूज़ करके अब इसको बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे 1/2 कुक्ड हो गई है। अब हम इसको निकाल के तवे पे डाल देंगे। ये मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी है, वो इसमें मैंने मशीन नहीं यूज़ करी। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और ये रोटी बन जाएगी। बस अब दोनों बन के रेडी हो गए हैं, जो मैंने हाथ से बनाया था, ये जो मैंने मशीन से बनाया है, वो दोनों ही बन के रेडी हो गए हैं। तो आप इसे ट्राई करिएगा, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आप ज़रूर बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।